हाय दोस्तों, अंडा खाना तो सबको पसंद होता है। जो नॉनवेज नहीं भी खाते वो एटलीस्ट अंडा खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एग करी की सिंपल सी रेसिपी। यह बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में सरसों का तेल लेंगे और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग, दालचीनी और 1 तेज पत्ता। अब हम 2 बारीक कटे प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और भून लेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मसाले भुनने तक हम पका लेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट और टमाटर पकने तक चलाते हुए भून लेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम पानी, 1 बॉइल्ड एग योक और नमक डालकर 1 उबाल आने तक पकाएंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं और एग योक हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए डाला है। उबाल आने तक हम उबले अंडों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 उबले अंडों को फोक की मदद से छेद कर लिया है। अब हम एक पैन में थोड़ा वेजिटेबल ऑयल गरम कर इसमें चुटकी भर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर रंग के लिए डालकर फ्राई कर लेंगे। हमारे एग्स फ्राई हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें फ्राइड एग्स को डालेंगे और 1 मिनट तक पकने देंगे। और ये लीजिए, हमारा टेस्टी टेस्टी एग करी तैयार है। लग रहा है ना हमारा एग करी टेस्टी? तो इसे आप भी बनाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा बना।